सोचा आज अगर मैंने तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ ली तो मेरे बाद आने वाले लोग, मेरे इंतकाल के बाद पैदा होने वाले लोग कहीं ये ना सोचने लगे कि इस गिरजा में कभी हजरत उमर ने नमाज पढ़ी है, ये पहले मस्जिद रही होगी, बाद में ईसाइयों ने कब्जा कर लिया और इस पर गिरजा बना लिया। इस्लाम वो मजहब है जो इंसानियत का एहतराम बतलाता है। जिस तरह दूसरों के माबूदों का इज्जत करोगे तो आपके माबूद की इज्जत होगी, दूसरे के बुजुर्गों की इज्जत करोगे तो आपके बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत होगी, दूसरों की किताबों की इज्जत करोगे तो आपकी किताब कुरान की इज्जत होगी, दूसरों की इबादत गाहों की इज्जत करोगे तो आपकी इबादत गाह की इज्जत होगी। हजरत उमर फारूक का वाकया याद है ना, मैंने कहीं सुनाया था इसी इलाके में, याद नहीं कहां। हजरत उमर फारूक जब बैतुल मुकद्दस गए फतह होने के बाद, तो बैतुल मुकद्दस से पहले यरूशलम पड़ता है और यरूशलम में बैतुल मुकद्दस है मैं मानता हूं, लेकिन बैतुल मुकद्दस से पहले 10-12-15 किलोमीटर पहले गिरजा पड़ता है, ईसाइयों का गिरजा, बहुत बड़ा गिरजा। जब वहां पहुंचे तो नमाज का टाइम हो गया, वुजू बनाया और जमीन पर ही चादर बिछा ली। ईसाइयों ने कहा इस जमीन पर आप क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे गिरजा में चलिए और नमाज पढ़ लीजिए साहब, हमने कोई मूर्ति नहीं लगाई है। हजरत उमर ने कहा अगर मूर्ति नहीं है तो हमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज नहीं। हजरत उमर अपने साथियों के साथ चले जाते हैं गिरजा में, देखते कोई मूर्ति नहीं है, धो दिया गया है गिरजा, चटाई बिछा ली, नमाज पढ़ने वाले हैं लेकिन नमाज पढ़े रही, अल्लाह अकबर कहने वाले हैं लेकिन कहा नहीं, चटाई उठाई और बाहर आ गए। और फिर उसी जमीन पर बाहर सड़क पर रोड पर उन्होंने चटाई बिछाई और आपने और आपके गुलाम असलम ने वहीं पर नमाज पढ़ ली, आपने और आपके गुलाम अफलाह ने वहीं पर नमाज पढ़ ली। ईसाइयों ने कहा हमने तो आपको अपने गिरजा में इजाजत दे दी थी, फिर आपने बाहर नमाज क्यों पढ़ी है, क्या हमारा गिरजा नापाक था, या हमारे गिरजे में अगर आप नमाज पढ़ते तो क्या आपकी नमाज नहीं होती। उस ईसाई ने भाईचारा दिखलाया, हमने आपके लिए अपना इबादत खाना छोड़ दिया और आपने नमाज नहीं पढ़ी। हजरत उमर फारूक ने उस ईसाई को, उस पादरी को गले से लगाया, फरमाया मैंने तुम्हारे गिरजा को नापाक नहीं कहा है और मैंने उसको गलत भी नहीं कहा है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि तुम्हारे गिरजा में अगर मैं नमाज पढ़ लूंगा तो मेरी नमाज नहीं होगी, मेरी नमाज हो जाएगी। फरमाया फिर क्यों नहीं पढ़ा, कहा मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि मैंने ये सोचा आज अगर मैंने तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ ली तो मेरे बाद आने वाले लोग, मेरे इंतकाल के बाद पैदा होने वाले लोग कहीं ये ना सोचने लगे कि इस गिरजा में कभी हजरत उमर ने नमाज पढ़ी है, ये पहले मस्जिद रही होगी, बाद में ईसाइयों ने कब्जा कर लिया और इस पर गिरजा बना लिया। लिहाजा मुसलमान जोश में आकर कहीं आपकी गिरजा को तोड़ न दे, आपकी गिरजा को कहीं आग न लगा दे और यहां पर अपनी मस्जिद न बना ले, क्योंकि जिस जगह गिरजा होगा उसको तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी तो वहां हमारी नमाज होगी ही नहीं, वहां हमारी नमाज जायज नहीं है। तो हमने ये सोचकर उसमें नमाज न पढ़ी, क्या उमर आज तूने अगर उसमें नमाज पढ़ ली तो आने वाले मुसलमान कहीं इस गिरजा को मस्जिद न समझने लगे और कहीं बाद में इस गिरजा को तोड़कर खत्म न कर दे और यहां अपनी मस्जिद न बना ले। मेरे साथियों मीडिया वालों, अगर तुम्हारे कलमों में ताकत है तो लिखो और जुरत है तो बयान करो। इस्लाम वो मजहब है जो डंके की चोट पर कहता है किसी भी जगह मंदिर हो, गिरजा हो, माबद हो, चर्च हो, अगर वो पहले से है उस जगह पर कब्जा कर लिया जाए या उस जगह को तोड़ दिया जाए और उस पर कोई मस्जिद बनाई जाए, इस्लाम वाहिद वो मजहब है जो ये कहता है कि उस मस्जिद में तुम्हारी नमाज नहीं होगी, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ोगे तो उस मस्जिद के अंदर तुम्हारी नमाज नहीं होगी।